हेलो बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 13.2, जिसका सवाल नंबर 1 दिया गया है। इसमें दिया गया है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं हल करते हैं। सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 को हल करेंगे, जिसमें जो चीज दी गई है पहले उसको हम लिख लेंगे। दिया गया है बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई h बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर के। फिर इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी व्यास ज्ञात करनी है। तो व्यास जब ज्ञात करना होगा तो व्यास के कॉलेज के लिए क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे माना बेलन की त्रिज्या बराबर आर। ठीक है, माना बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, 2πrh। सूत्र होता है 2πrh। तो यहां पर रखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 88 हो जाएगा, 88 बराबर 2y का मान 2/7 गुणे r। r तो वही रहेगी जो फॉर तुमने माना है, और ऊंचाई कितनी रहेगी 14 सेंटीमीटर के। तो यहां से हल करेंगे 7 तो 7 × 14, और जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 88 बराबर 2y × 44, और इस तरह जोड़ा करेंगे 2 मिल जाएगा 88 हो जाएगा 88 r। हमारा r बराबर हो जाएगा 88/88 के ये कहने से कितना हो जाएगा 1, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर। ये निकल गई त्रिज्या। तुम सभी लोग जानते हैं व्यास बराबर 2 × r, या त्रिज्या के तो हमारा व्यास प्राप्त हो जाएगा 2 × 1 तथा 2 सेंटीमीटर। चौथा सवाल नंबर 2 पे, जिसमें लिखा गया है धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आकार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो जो दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। तो दिया गया है लिखेंगे, दिया है धातु की एक चादर, तो इसमें ऊंचाई दिया गया है, तो h बराबर 1 मीटर, ऊंचाई बराबर 1 मीटर, और व्यास, तो व्यास दिया है, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो जाएगा त्रिज्या बराबर, मतलब त्रिज्या r बराबर 140/2 हल करेंगे तो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर के, तो फिर इसलिए 70 सेंटीमीटर बराबर 70/100 0.7 मीटर। तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 0.7 मीटर में, क्योंकि ऊंचाई इसकी मीटर में दी गई है। अब इसके आधार मतलब एक जो टंकी बनानी है उसके लिए कितना चादर का सूत्र पड़ेगी, तो बेलना का टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr। पोस्टर में
आर प्लस एच के। इस फॉर्मूले पर अगर रखेंगे मान तो सही सही क्या होगा हल हो जाएगा। तो हम लोग रखेंगे 2 × 22/7 × 0.7 क्वेश्चन में 0.7 + 1 तो इसको हल करेंगे ठीक है। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा 0.1 और जाएगा 22 × 44 × 0.1 और जब इसे हल किया जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1.7। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4.4 × 1.7। जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आंसर बनेगा हमारा 7.48 वर्ग मीटर। यही होगा हमारा राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 7.4 सेंटीमीटर है। याद कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उस चित्र को जिसमें बताया गया है कि एक बेलनाकार पाइप जो कुछ इस प्रकार का होगा ठीक है, जो कुछ है इस प्रकार का होगा ठीक। और उसको देखिए यहाँ से तो इसकी जो लंबाई दी गई है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 77 सेंटीमीटर और उसके जो आंतरिक त्रिज्या होगी ये है 4 सेंटीमीटर के और ये पूरी त्रिज्या दी गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो व्यास दिया गया वो है 4.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आंतरिक और पृष्ठ को निकालेंगे। आंतरिक सवाल नंबर 1, आंतरिक त्रिज्या बराबर 4/2 हल करेंगे तो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आंतरिक हल करेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 2π r h। जब इसको हम हल करेंगे तो जाएगा 2 × 22/7 × त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की और जो इसकी ऊंचाई होगी वो होगी ये 77 मतलब 77 सेंटीमीटर। इसको बाहर देखते भैया तो जाएगा 11। अब जब गुणा करेंगे 22 × 44 × 22 और इसका आंसर आएगा इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे 22 × 88 88 + 8 + 8 = 9 × 68 वर्ग सेंटीमीटर। यह होगा आंतरिक क्षेत्रफल अर्थात ये वर्ग ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब बाह्य वक्र पृष्ठ को निकालेंगे तो पहले निकालना होगा बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या बराबर हो जाएगा 4.4 × 2 = 2.2 सेंटीमीटर। जब हम करेंगे बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तो सूत्र हो जाएगा 2π r h के। जब इसको हल करेंगे 2 × 22/7 × 2.2 × 77 सेंटीमीटर आंसर होगा हो जाएगा 11। जब इसको हल करेंगे भाई तो जाएगा 22 × 44 × कितने के यहाँ से गुणा कर दीजिएगा तो 22 × 11 × 22 = 2 यहाँ से लगे 2 फिर 11 × 22 कितना हो जाएगा 24। तो एक के बाद हम लगा देंगे जब इसको हल किया जाएगा गुणनफल के रूप में इसका उत्तर आएगा 1084.80। इतना वर्ग सेंटीमीटर के क्योंकि एक के बाद हम लोग क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए भैया
ये दो चीज निकल गई। अब हमको क्या करना है, ये वाला भाग, ये जो कटा हुआ भाग है, मतलब ऊपरी वलय और निचली वलय का क्षेत्रफल। देखेंगे ऊपरी व निचली वलय का क्षेत्रफल बराबर कुछ तुलेगा पाई कोष्ठक में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो जाएगा 22 बटे 7 गुणे कैपिटल आर का कितना होगा भैया 2.2, यहां से लोग पाए थे, और स्मॉल आर का 2 सेंटीमीटर के लिखेंगे 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर जाएगा 22 बटे 7 माइनस 22 बटे 7 484 के, तो दो के बाद दसवीं जाएगा और दो गुना चार फिर से घटा देंगे तो जाएगा 22 बटे 7 गुणे 0.84। फिर इसका घटा देंगे तो जाएगा 1.2। अब जब गुणा करेंगे तो 22 गुना फिर 12 गुना 24 के 4 80 लगे 2, फिर 12 गुना 24 दो 26 के, और दो के बाद क्या करेंगे 10 लगा देंगे, दो के बाद 10 लगा देंगे जाएगा 2.64 वर्ग सेंटीमीटर के। ठीक है, अब हमको निकालेंगे इसका संपूर्ण मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस कम है, लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये आंतरिक वक्र क्षेत्रफल अर्थात ये वाला मान और बाह्य वक्र क्षेत्रफल, उन दोनों को जोड़ देंगे प्लस इसके साथ इसका गुणनफल। तो ये वाला जो भाग होगा ये ऊपर भी होगा और ये भाग क्या होगा नीचे भी होगा। तो लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल धन 2 गुणे वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। तो उत्तर हमें प्राप्त होगा लिखेंगे 968 प्लस 1064.8 धन, इसमें दो बड़ा करेंगे दो छः दो चौक यहाँ आया था दो बड़ा जब इसको हम क्या करेंगे टोटली जब जोड़ेंगे हमारा क्या होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका उत्तर होगा 2038.8 वर्ग सेंटीमीटर के। वर्ग सेंटीमीटर के ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इस सवाल को भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। इसके पहले आप समझो थोड़ी सी कुछ बातें हो जाए, जैसे कि अब हम लोग जल्द से जल्द क्या अब एक महीने का ही समय बचा है बोर्ड एग्जाम होने में, तो हम लोग अब कंटिन्यूस कक्षा 10 की और 12वीं की फिजिक्स में जो चीज़ें होंगी वो आपको परफेक्टली बताई जाएंगी। और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो से इस चैनल से लगातार जुड़े। ठीक है, अब मिलते हैं सवाल नंबर 4 पे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। इसमें लिखा गया है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए दो ऑप्शन है, पहले सेंटीमीटर में मान लो तो सेंटीमीटर में ही रख करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए और उसका जितना क्षेत्रफल आता है उसमें 500 गुणा कर दीजिए, वो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा लेकिन वो वर्ग मीटर में होगा, फिर उसे हम लोग मीटर बदल देंगे सवाल फैसल हो जाएगी। या इन सभी चीज़ों को करने के अलावा जो इसकी माप दी गई है मतलब व्यास दिया गया है और इसकी जो लंबाई दी गई है पहले हम इसे ही मीटर में बदल दें। ठीक है, फिर जो उत्तर आएगा वो मीटर में ही होगा। तो
सबसे पहले दिया गया व्यास तुम निकालिए, इसको हम क्या करेंगे त्रिज्या। तो रोलर की त्रिज्या बराबर मतलब r बराबर हो जाएगा 84/2। हल करेंगे तो 2 × 4 = 4, तो 82 सेंटीमीटर। तो हमने आपको पहले बताया चूंकि 1 मीटर बराबर होता है भैया 100 सेंटीमीटर के, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर के, इसलिए 42 सेंटीमीटर बराबर 42/100। तो हल करेंगे जाएगा 0.42 मीटर, ये निकल जाएगी उसकी त्रिज्या। और जब इसे बदलेंगे सेंटीमीटर में तो इसलिए 120 सेंटीमीटर, अर्थात उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई है 120 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो जाएगा 120/100, 0.0 से कैंसिल जाएगा 1.2 मीटर, ये इसकी लंबाई होगी और ये इसकी क्या होगी त्रिज्या होगी। अब निकालेंगे रोलर का क्या निकालेंगे भाई, अब हम लोग हल करेंगे रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, रोलर का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र हो जाएगा 2πr, इसका सूत्र होगा 2πr। तो मान रखेंगे 2×22/7×r होगा 0.42 और इसकी ऊंचाई होगी 1.2। इसको हम हल करेंगे तो 22 × 44 तो इसको गुणनफल भाग देंगे तो जाएगा 0.06×1.2, ठीक है। तो इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 3.168 वर्ग मीटर, ये जाएगा 3.168 वर्ग मीटर के। तो यहाँ से इसका कैंसिल हम निकाल लेंगे, हम निकालने के लिए ये एक चक्कर लगाएगा, जब एक चक्कर लगाएगा मतलब रोलर घूमेगा तो कितना वर्ग मीटर होगा। अब 500 चक्कर लगा रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहा है, तो लिखेंगे 500 चक्कर लगाने के बाद क्या यह क्षेत्रफल, रोलर कितना चक्कर लगा करेगा, अब वो हल हो जाएगा भैया 500 × 3.168। जब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 8 कितना होगा 40, 40 के 0 हासिल लगे, 4 × 5 = 30, 30 × 4 = 34 के 4 हासिल लगे, 3 × 5 = 5, 3 × 8 = 15, 200 क्या करेंगे बढ़ा देंगे और 3 × 5 समझ जाएगा 1, 2, 3, इसका उत्तर होगा 1,1584 वर्ग मीटर। ये जो रोलर होगा 500 चक्कर में 1584 वर्ग मीटर का एरिया क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। ये सवाल नंबर 4, हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 305 मीटर है, यदि 12.5 × 12.5 × 12 मतलब टोटल होगा 25 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में इसको बदल देंगे मीटर में, तो चूंकि फिर वही 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, इसलिए डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर के, फिर इसलिए भैया मेरे 25 सेंटीमीटर है तो जाएगा 1/25 × 100 मीटर या 0.25 मीटर। और इसकी ऊंचाई आपको पता है, दिया ये पहले से कितना दिया गया है, ऊंचाई बराबर 3.5 मीटर। अब हम करेंगे वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 2 पाई आर एच के, जब 2 पाई आर 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर का मान होगा 0.25 गुणे 3.5, तो 7 का इसमें भाग दे जाएगा 0.5 के हो जाएगा 22.44 गुणे 0.25 गुणे 0.5 के। जब इसको हम लोग क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका उत्तर आएगा कितना, 5.5 वर्ग मीटर। भैया एक वर्ग मीटर का, एक वर्ग मीटर बराबर दिया है 12.50 रुपए, ये चूंकि फिर इसलिए 5.5 वर्ग मीटर बराबर जगह 5.5 गुणे 12.50, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे जाएगा 59.75 क्या रुपए, यही इसका क्या होगा सही जवाब होगा 59.75 रुपए। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सब मीटर में दिया गया है तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया भैया, क्षेत्रफल दिया है तो लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर और त्रिज्या, और त्रिज्या आर बराबर 0.7 मीटर के, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है ऊंचाई h बराबर प्रश्न में ये ऊंचाई हम लोग क्या करना ज्ञात कर लेना है, तो लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πrh, जिसका मान दिया गया है 4.4 गुणे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 0.7 गुणे ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई को लिखेंगे ऐसे, इसको इसे भाग देंगे तो 0.1 आएगा, 12.44 4.4 बराबर 44 गुणे 0.1 गुणे एच, जब इसका इसमें गुणा करेंगे भाई तो इसका आंसर हम लोग मिलेगा 4.4 गुणे 4.4 इंटू एच, ये इसे कैंसिल उत्तर आएगा यह एक, तो उसकी ऊंचाई कितनी जाएगी 1 मीटर, इसे कहते हैं एच बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो ये सवाल आए होंगे, हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, और ज्ञात करना है कि आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को प्लास्टर कराने का खर्च कितना होगा, ठीक है। तो खर्च निकालेंगे से पहले निकालेंगे इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या बराबर हो जाएगा 3.5 बटे 2 मीटर, तो पहले निकाल लेते हैं इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होगा भैया, 2πrh हो जाएगा 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 3.5 बटे 2 गुणे जो इसकी ऊंचाई दी गई है 10 मीटर के, इसकी क्या होगी ऊंचाई होगी, फिर इसको और करेंगे जब इसको भाग दिया जाएगा 0.5 इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 11, तो टोटल हो गया 11 × 22 गुणे 0.5 गुणे कितने के 10 के 0 है, इसका से बड़ा करेंगे भैया जगह 22 × 5 तो इसका वर्गमूल करेंगे तो जाएगा 110 वर्ग मीटर, कितना एरिया आएगा 110 वर्ग मीटर, ये है सवाल नंबर 1। अब इसी का पूछा है सवाल नंबर 2,
40 रुपए के हिसाब से प्लास्टर कराने का व्यय। तो सवाल नंबर दो यहाँ लिख करके आ लेते हैं। सवाल नंबर दो मतलब प्लास्टर कराने का व्यय, तो प्लास्टर कराने का व्यय बराबर हो जाएगा 40 जुड़े 110 11 44 2 0 इतना रुपए। ठीक है, अब जो आगे के जो कुछ सवाल बच जाते हैं जैसे कि 8 9 और 10, ये चीजें सवाल है आपको अगली वीडियो में बताई जाएंगी। अगर ये चीजें आपको जितने सवाल आज बताए गए अगर वो अच्छे ढंग से समझ में आई हो तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।